हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करें। वीडियो पे बने रहें। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इंडिया में महंगाई हर साल 4 से 6% ग्रो करती है और जो कि वर्ल्ड की इकोनॉमी से काफ़ी तेज है, तो इस स्थिति में हम पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें। तो आज के दौर में महंगाई हम झेल सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब सबसे पहले जानेंगे कि इंडिया का इन्फ्लेशन जो कि हर साल 4 से 6% ग्रो करता है, लेकिन इंडिया की कोई ऐसी बैंक नहीं है जहां से सेविंग अकाउंट 2.75 से 3.75 का भी रिटर्न देता हो, जिसके कारण इंडिया के लोग दिन प्रतिदिन महंगाई को झेल नहीं पा रहे हैं। उनको ये भी पता नहीं कि मैं जो सेविंग अकाउंट में पैसे को रखता हूँ उनका दिन पे दिन वैल्यू जो हो रहा है महंगाई के हिसाब से कम हो रहा है। आजकल के आम लोग ये सोचते हैं कि मेरा पैसा कहीं सेविंग अकाउंट में क्या है, सेव है। बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपके जो बैंक अकाउंट में पैसे हैं वो तो सेव हैं, बट क्या जिस हिसाब से इंडिया का इन्फ्लेशन 4 से 6% ग्रो कर रहा है, क्या उस हिसाब से आपके पैसे की वैल्यू क्या सही है महंगाई के हिसाब से? क्या आपको लगता है कि जिस हिसाब से इंडिया की इन्फ्लेशन महंगाई जिस रेशियो से ग्रो कर रहा है दिन पे दिन 4 से 6% ग्रो करता है, जो कि वर्ल्ड की इकोनॉमी से काफ़ी तेज है, तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया की जीपीडी कितना तेज है। तो अब बात यह आती है कि मैं पैसे को सेविंग अकाउंट में न रख के तो पैसे को हम कहाँ निवेश करें कि मेरा पैसे महंगाई के हिसाब से मार भी न खाए और जितना रिटर्न मेरे को चाहिए उतना रिटर्न महंगाई के हिसाब से मेरे को वापस मिल जाए। इतना तो आप सभी को क्लियर हो गया है कि महंगाई के आधार पर इंडिया का कोई भी सेविंग अकाउंट आपको उतने परसेंट नहीं दे रही है जितने परसेंट की महंगाई के रेशियो के हिसाब से मिलना चाहिए। तो आज के महंगाई के आधार पर क्या अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में न रखें? तो ऐसा बिल्कुल गलत है कि आप सेविंग अकाउंट में पैसे को उतना ही रखें जितना कि आपकी इमरजेंसी फंड या आपकी ऐसी ज़रूरत हो जो आपको इमरजेंसी के लिए आपको फंड चुनना है, उस फंड में आपको सेविंग अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको जब पैसे की ज़रूरत हो यानी इमरजेंसी फंड ऐसा फंड जिसमें 24 घंटे आपकी पैसे को आदान प्रदान किसी न किसी माध्यम से ATM या गूगल पे या तो ऑनलाइन या फिर किसी न किसी थ्रू से वो पैसे 24 घंटे अवेलेबल हो, यानी कि 24 घंटे वर्क करता हो उस सिस्टम से कि जब आपको वैसी पैसा को आप सेविंग अकाउंट में रखें, अन्यथा आप उतना पैसे को सेविंग अकाउंट में न रखें। क्योंकि जितने इन्फ्लेशन इंडिया की इन्फ्लेशन जितने तेज़ी में परसेंट के हिसाब से ग्रो कर रही है, तो उस हिसाब से अपनी इनकम को हम दिन पर दिन अपनी वैल्यू को दिन पर दिन रुपया की वैल्यू को कम कर दे रहे हैं, जिसके कारण हम लोग महंगाई झेल नहीं पा रहे हैं। तो आज के महंगाई के आधार पर अपने पैसे को स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या फिर फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हैं, जिससे आप अपने ज़िंदगी में महंगाई को मात दे सकें। अगर आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए दिया हूँ। अगर आप ग्रो में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक को ओपन करें और तुरंत अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि एक किसी स्टॉक को कैसे खरीदा जाता है और कैसे बेचा जाता है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।